सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ लोग कहते हैं दोस्ती बराबर वालों से करनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं दोस्ती में कोई बराबरी नहीं होनी चाहिए। दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बनाती है। ए दोस्त जरा संभल कर चलना, यहाँ ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए मिलेंगे। आज का पंचांग 7 अगस्त 2022 दिन रविवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 11:51 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र शाम 4:30 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:24 से 7:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मीन राशि 7 अगस्त 2022 दिन रविवार, आपको मिली हुई नई आजादी से आज आप बेहद उत्साहित रहेंगे। नए विचार और योजनाएं आपके विकास में सहायक हैं। पिछले कुछ दिनों से जीवन में आई निरस्ता को दूर करने के लिए एक यात्रा का भी योग बन रहा है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ जाएं कि आप जीवन में सफल हो रही हैं। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता के बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए व्यवस्थित रूपरेखा बनाएं। आपकी मेहनत व परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण काम सम्पन्न होगा। युवा वर्ग तथा विद्यार्थी अपनी भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। जीवन में बढ़ रही भागदौड़ को कम करके आराम करने पर ध्यान दें। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें जारी रखें। मेडिटेशन से बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को भागीदारी में काम करने का मौका मिलेगा और यह फायदेमंद भी साबित होगा। पार्टनर की समस्या को समझने की कोशिश करें। माइग्रेन की तकलीफ दिन के अंत में पड़ सकती है। सावधानियां: गैर कानूनी कार्यों में रुचि न लें और दूसरों के समक्ष अपनी उपलब्धियों का ज्यादा बखान न करें, वरना जलन की भावना से वे आपका नुकसान भी कर सकता है। अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखने से सही निर्णय ले पाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, परंतु विवाहेतर प्रेम संबंध घर की सुख शांति को नष्ट कर सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें। आत्मविश्लेषण और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आज का समय उपयुक्त है। अधिक उत्साह में आकर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से बचें। अपने इष्ट का परिणाम देने के लिए भी आज तैयार रहें। इसके लिए अपने प्यार को कुछ उपहार दें या उसके लिए कुछ खास करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। जीवन के इस पड़ाव से आप नए क्षितिज को देख सकते हैं। हो सकता है कि आज आपके नए विचार या योजनाएं सफल ना हों, लेकिन साहसिक या जोखिम भरे कार्य आज आपके कार्ड्स में हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का है और आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है। अच्छा सोचने से अच्छा काम करना बेहतर है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। कारोबारी विस्तार संबंधित योजनाओं को कार्य रूप दें, परंतु शेयर तथा तेजी मंदी जैसे कार्यों में निवेश ना करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा ना करें। बात करते हैं सेहत की। तनाव और नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को दूर रखें। अपचय और भूख ना लगने जैसी समस्या भी रहेगी। माइग्रेन की तकलीफ दिन के अंत में बढ़ सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय: आज अब बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।